सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आपको अपना मेकअप में जो मैंने पैक किया है वो सब होगा, और मेरे लिए भी चैलेंज था कि मैं मिनिमलिस्टिक मेकअप आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और फटाफट से एक लुक क्रिएट कर सकूं। तो इट्स चैलेंजिंग, सो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप पहली बार आए हैं, एंड आई होप यू गाइज विल लाइक इट। सो या लेट्स जंप। मैंने मेनली ये सब चीज़ें पैक की हैं और बहुत इजीली इस बैग में मेरा मोस्टली सारा ही मेकअप आ गया है, और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान लाइक रोल ऑन एंड ऑल दैट थिंग। और लेट मी शो यू कि मैंने मेकअप में क्या क्या पैक किया है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ओपन दिस फरी यूनिकॉर्न वेरी प्रिटी बैग लाइक दिस। और जब इसे मैं खोलूँगी तो यू कैन सी इसमें थोड़े से कंपार्टमेंट्स हैं लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड दीज आर वेरी 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 यूज़फुल। सो ब्रशेस के लिए मैंने मेनली ये 5 ब्रशेस पैक किए हैं। दीज वाइट ब्रशेस विद हैंडल, दीज आर फ्रॉम डी ब्यूटी इंडिया। दिस इज़ फ्रॉम मैक 239 फ्लैट शेडर ब्रश, एंड दिस इज़ एंगुलर आईलाइनर ब्रश फ्रॉम वेगा। सो दिस इज़ देयर very precise brush, this is, and this one, this is my favorite brush from D Beauty India, and now you can see in this compartment, this is not a Makeup Geek eyeshadow, this is my Hoola bronzer. So instead of keep this inside my magnetic palette, मैंने इसको इस छोटे से सेशन में पैक कर दिया है बिकॉज ब्रॉन्जर के लिए अदरवाइज मुझे पूरी पैलेट परचेज करनी पैक करनी पड़ती है। ये है आईलैश कर्लर, देन जो पैलेट मैंने मल्टीपर्पज़ विच आई कैन यूज़ फॉर हाईलाइट, ब्लश एंड आई शेडो। दिस इज़ फ्रॉम टैन ब्यूटी, दिस इज़ इंडियन ब्रांड, एंड दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट पैलेट, ऑल पर्पज़ पैलेट, वेरी फ्रेंडली टू यूज़, एंड लेट मी शो यू द कलर्स। मतलब इट्स वेरी वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी वेरेबल, और अपनी ब्राइड्स वगैरह को भी मैं ये रिकमेंड करूँगी इफ़ दे वांट टू कीप वन पैलेट इन देयर वैनिटी, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ न्यूट्रल स्लाइटली कूल टोन्स लाइक दिस वन, एंड देन वी हैव स्टैंडर्ड ब्लैक कलर, एंड दीज आर शिमर्स, एंड दीज आर सम इंटरेस्टिंग कलर्स। सो हेयर इज टैन ब्यूटी पैलेट, एंड देन ऑन दिस साइड आई हैव सम स्मॉल things. Let me show you this Tarte का कंसीलर है, बिकॉज मैं कंफ्यूज थी कि कलर बहुत मिसमैच ना हो जाए, बहुत लाइट ना हो जाए, क्योंकि फोटोग्राफी मैं मोस्टली ब्राइट सन में करूँगी तो बहुत वाइट ना आए। सो मैंने 2 कंसीलर लिए हैं, दिस इज़ मोर लाइक अ करेक्टर, एंड दिस इज़ द न्यू कंसीलर जो मैं पहली बार यूज़ करूँगी, विच इज़ कॉल्ड एल्फ केमो। आई थिंक दिस वन इज़ हाइड्रेटिंग कंसीलर, एंड देन आई हैव मैक प्रेस पाउडर जो मैं उसके बदले फाउंडेशन के बदले यूज़ करने वाली हूँ। दिस इज़ NC20, सो इट गिव्स यू कवरेज एंड स्मूथ स्किन, एंड इट विल लास्ट लॉन्गर देन द लिक्विड फाउंडेशन। देन आई हैव एन आई क्रीम फ्रॉम ओरिजिन्स जिंजिंग, एंड दिस इज़ अ डिसेंट हाइड्रेटिंग आई क्रीम जो मैं दोबारा परचेज़ नहीं करूँगी बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली और इसमें कोई गेम चेंजर नहीं है। देन आई हैव AOA, माई फेवरेट आईब्रो पेंसिल, जिसमें एक तरफ स्पूली है, एक तरफ पेंसिल है, सो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, एंड द कलर इज़ परफेक्ट मैच फॉर मी, इट इज़ आई थिंक मीडियम ब्राउन। देन आई गॉट दिस लिप लाइनर टू गो विद माई लिपस्टिक, दिस इज़ फ्रॉम निक्स, एंड द शेड इज़ कॉल्ड फॉरएवर रेड, नो सॉरी इट्स फ्रॉम LA गर्ल लिप लाइनर, ये भी बहुत अफोर्डेबल है। उसके बाद ये मेकअप फॉरएवर की एक्चुअली लिपस्टिक है, बट इसके अंदर मैंने अपना फेवरेट कोको बटर फ्रॉम पाल्मर्स DIY किया है ताकि मैं इसे लिप बाम यूज़ करूं, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव थिंग इफ़ यू हैव चैप्ड लिप्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पाल्मर्स कोको बटर फार्मूला। देन आई गॉट दिस लिपस्टिक फ्रॉम मैक, और मैंने सिर्फ यही लिपस्टिक मैच करी बिकॉज मेरी एक ही आउटफिट है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने मैक की this is retro matte all fired up, so corally red kind of shade. Then I've got this eye magic liquid eyeliner which I'm not sure कि मैं यूज़ करूँगी, but मैंने just pack कर लिया just in case. Then I have this Bobbi Brown mascara, which is called Smoky Eye Mascara. Then I've got Scandaleyes black eye pencil. Then last but not the least, I've got my favorite sponge from Fiora, which you can purchase from me, and it is like 350, and it's my favorite for concealer. Then this is atomizer for my to travel with, और इसमें मैंने फिल किया है इसको अपने Dior के. I don't remember which one because I have two fragrances, so I'll let you know in the description. So इसको मैंने इससे refill किया है ताकि मुझे उसकी bottle carry ना करनी पड़े. और finally मैंने Oriflame की ये आई pencil पैक की है, थोड़ा सा न्यूड कलर है. सो बेसिकली आई हैव नो आइडिया कि मैं सब यूज़ कर पाऊँगी या नहीं, बट मैक्सिमम जो पॉसिबली मैं यूज़ कर पाऊँगी और जिससे मैं बहुत जल्दी से मेकअप कर सकती हूँ, ज़्यादा प्रोडक्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने पैक किए हैं. और इस बैग में लेट मी शो यू, दिस इज़ फ्रॉम नायका बैग. आई डोंट नो इसमें मैंने क्या पैक किया. ओके, दिस इज़ गार्नियर मार्सेला वाटर, क्योंकि बहुत लीक हो रहा था इसलिए मैंने इसको काफ़ी सारे पॉलीथीन में पैक किया है ताकि लीक ना हो. देन आई हैव मैक एफ ए कॉफ़ी फेस वॉश, नथिंग स्पेशल, बस मैंने इसको ऐसे ही रख दिया जस्ट इन केस. देन आई हैव गॉट माई रोल ऑन नीविया डिओड्रेंट एंड आई हैव गॉट माई लेंस लिक्विड, और लेंस ऑलरेडी मैं पहनी हूँ. देन एज अ मॉइस्चराइज़र आई एम गोइंग टू बी यूजिंग एक्ले सिरम या मल्टी मॉलिकुलर सिरम. ये रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना, और अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, बट आई विल बी कमिंग अप विद अ होल डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस ब्रांड बिकॉज आई हैव ट्राइड बंच ऑफ गुड स्टफ फ्रॉम दिस ब्रांड. सो या दिस इज़ द बेसिक हाइड्रेटर, और ये कॉन्टैक्ट लेंसेज मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो ये उसका केस है जब मैं उसको निकालूंगी. देन आई हैव सम सम रैंडम मेडिसिन्स, और ये नेल ग्लू है क्योंकि मैंने एक्रेलिक्स लगाए जस्ट इन केस निकल जाएँ, तो आई डोंट वांट टू एम्बेरस माई सेल्फ. सो दिस इज़ माई फेवरेट ग्लू एंड व्हाट एल्स. ओके, दिस इज़ शैम्पू एंड सम कॉटन पैड्स एंड बॉब पिन्स and some rubber bands. So yeah, that's it, that is everything I have packed in my bag. बाकी जो soap, toothbrush और toothpaste वगैरह है वो ऐसे ही बैग में throw किया हुआ है. basically यही सब सामान है. so yeah, और अब चलते हैं अपने get ready with me like हॉलीडे सीरीज़ काइंड ऑफ थिंग, जिसमें मैं बहुत क्विकली विदाउट एडिटिंग के पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ ताकि आई कैन शो यू कि आप बहुत क्विकली, बहुत सिंपल येट वेरी ग्लैम काइंड ऑफ लुक कर सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू कैप्चर बेस्ट मोमेंट एंड इफ़ यू आर रेडी the photographs turn out great. and usually मैं पैक नहीं करती कुछ कॉस्मेटिक, बट दिस टाइम स्पेशली फॉर माई यूट्यूब एंड माई इंस्टाग्राम मैंने ख़ास तौर से सारा मेकअप अरेंज किया जो मुझे लगा कि मैं मिनिमलिस्टिक मेकअप होगा प्लस मल्टीपर्पज़ होगा, और बहुत जल्दी मैं लुक क्रिएट कर सकती हूँ ताकि मैं एक इस तरह की वीडियो बना सकती हूँ. यू कैन से एक प्रैक्टिकल वीडियो बनेगी वेयर यू कैन एक्चुअली सी एवरीथिंग you can pack to achieve your best look and do your best in a very short period of time and with minimalistic products. so I highly recommend trying this palette, और ऐसी palettes carry करना holiday पे best होता है. आपको ज़्यादा worry करने की ज़रूरत नहीं होती है, mostly you can get lot of combinations to choose from. so yeah, let me show you some close up.